हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल वीडियो है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, बट वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। और मैं बस ये चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल से कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती हैं और मिलती रहेंगी आगे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो हमने कुछ एक्सप्लोइट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोइट्स के बारे में पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और अटैकिंग मेथड्स बताने वाला हूँ, लाइक जिससे जो एक हैकर है वो आपके सिस्टम पर, आपके डिवाइस को या फिर आपके कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यानी कि उसे हैक कर सकता है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आपके सिस्टम को वो हैक कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बात और जान लो, इस वीडियो के अंदर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी वीडियोस आएंगी, कितनी वीडियोस नहीं आएंगी आगे इस कोर्स की, ठीक है। अगर कोई वीडियो आएगी तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और प्रैक्टिकली नॉलेज मैं किस तरीके से देने वाला हूँ वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ से आप सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं एक एथिकल हैकर का, CEH का, जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर होता है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं मोर अटैक मेथड्स के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो एक हैकर यूज़ कर सकता है और आपके सिस्टम को या फिर आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो पहला जो मेथड है वो है डेजी चेनिंग। अब डेजी चेनिंग किस तरीके का मेथड है ये मैं आपको समझा देता हूँ। डेजी चेनिंग के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी होती है, एक कॉरपोरेट नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मान लो एक जैसे कंपनी है जियो, ठीक है। अब एक हैकर क्या करेगा, सबसे पहले उस कंपनी के एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करेगा, ठीक है। अब जब कंपनी है तो उसके अंदर सारे कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्टेड रहेंगे। आपको ये पता होगा कि जब कोई भी कंपनी होती है वो अपने सारे कंप्यूटर्स को जो है वो इंटरलिंक करती है, जिससे कि किसी भी फाइल को अगर ट्रांसफ़र करना हो किसी भी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर तो वो इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एक कंप्यूटर को पहले कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उस कंप्यूटर के थ्रू वो सारे नेटवर्क को क्रैश कर सकता है। ये होता है डेजी चेनिंग के अंदर। अब बात करते हैं बोटनेट के अंदर। तो पहले मैं रीड कर दूँ तो उसके बाद मैं आपको फिर समझाता हूँ। अब बोटनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, ईच ऑफ विच इज़ रनिंग वन और मोर बोट्स। बोटनेट्स कैन बी टू परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स, स्टील डाटा, सेंड स्पैम एंड अलाउज द अटैकर टू एक्सेस द डिवाइस एंड इट्स कनेक्शन। अब देखो बोटनेट में क्या होता है, बोटनेट आपके स्मार्टफोन के अंदर हो भी सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बोटनेट एक इस तरीके की टेक्निक है जो हैकर के पास होती है, जो हैकर यूज़ करता है किसी भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप एक एथिकल हैकर बनने जा रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंपनी बुला रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस को आइडेंटिफाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक हैकर होता है, जो ब्लैक हैट हैकर होता है या फिर अगर कोई ग्रे हैट हैकर भी है जो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है या फिर अगर किसी कंपनी के नेटवर्क पर अटैक हुआ है, सिस्टम पर अटैक हुआ है, तो आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए कि किन मेथड्स के थ्रू उसने अटैक किया है और कहाँ से अटैक आया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोटनेट के अंदर होता क्या है कि जो एक हैकर होता है वो किसी भी फाइल के अंदर एक बोट ऐड कर देता है। अब फाइल के अंदर बोट ऐड कैसे करेगा वो, मान लो एक पायरेटेड वेबसाइट है, पायरेटेड मूवी वेबसाइट है, मूवी वेबसाइट की यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे कि नेटफ्लिक्स का प्रीमियम वर्जन है, अमेजोन प्राइम का प्रीमियम वर्जन है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। तो उन सब की प्रीमियम वर्जन की जो मूवीज़ होती हैं वो पैसों में मिलती है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो आप पहले पैसे देते हो उसके बाद ही आप उन मूवीज़ को वॉच कर पाते हो ऐप पर, ठीक है। बट आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन मूवीज़ को फ्री में वॉच करना चाहते हैं, उन मूवीज़ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये जो हैकर होते हैं ये उनके अंदर से उन मूवीज़ को निकाल लेते हैं, डेटा जो है उन्हें चोरी कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, ठीक है। और जब वेबसाइट पर वो डालते हैं, मान लो अब एक वेबसाइट है जिस पर आपको सारी पैसों वाली मूवीज़ फ्री में मिल रही हैं और आप वहाँ पर जाते हो डाउनलोड करते हो, तो अगर उस वेबसाइट का एक जो ओनर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक हैकर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस मूवी के अंदर एक बोट फाइल ऐड कर देगा, एक बोट ऐड कर देगा। अब यहाँ पर बोट जो है वो रोबोट
से आया है और नेट जो है वो यहाँ पर नेटवर्क से आया है, तो इसलिए कंबाइन होकर ये बोट नेट बनाए। ठीक है, तो वो उसके अंदर एक बोट ऐड कर देगा। जैसे ही आप उस मूवी को अपने स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड करोगे तो वो आपके स्मार्टफोन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, उसे रिमोटली एक्सेस कर सकता है, आपके स्मार्टफोन का कैमरा हैक कर सकता है, ठीक है, आपकी कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, आपका डेटा जो है उसे रिमोटली एक्सेस कर सकता है, उसे पब्लिक कर सकता है अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये होता है बोटनेट अटैक के अंदर। तो अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सीआईए ट्रायड। देखो सीआईए ट्रायड एथिकल हैकिंग के अंदर जो है ये यूज़ कम ही होता है, बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसका कॉन्सेप्ट है, बट इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। द सीआईए ट्रायड इज़ अ वेल नोन वल्नरेबल मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज। तो बेसिकली इसे डेवलप इसलिए करा गया जिससे कि सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं उनके थ्रू ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके इस फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, अलॉन्ग विद द नेसेसरी सोल्यूशन इन दिस एरिना ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्यों करा गया ऐसे? क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो जनरेशन है ये, इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं और जितना ज़्यादा ये जो वाइड एंगल में फैल रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो इंटरनेट फैल रहा है, उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है अटैक्स होने का, ठीक है, उतने ज़्यादा हैकर्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। अब हैकर कोई भी हो सकता है, 14 साल का बच्चा भी हो सकता है, 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, मान लो कोई भी हो सकता है और कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की जो है ज़रूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पर सीआईए जो है उसका थोड़े से मीनिंग जान लेते हैं। तो सी का मतलब है यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, आई का मतलब है इंटीग्रिटी, एंड ए का मतलब है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो मैंने टाइटल में स्पेशली दिया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो कंप्यूटर है उसे किस तरीके से नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है, कौन से सोर्सेस हैं या फिर किसके थ्रू उसे नुकसान पहुँच सकता है, कौन उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फिर किसके थ्रू वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो उन सिक्योरिटी थ्रेट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स कैन बी मैनी लाइक सॉफ्टवेयर अटैक्स, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, सैबोटेज एंड इंफॉर्मेशन एक्सटोर्शन। अब देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो जनरेशन है इसके अंदर थ्रेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर अटैक्स, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई थेफ्ट और बहुत सारे जो है अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो एक हैकर है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो अगर उसे आपको हैक करना है, उसे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आप कोई ना कोई वेब ब्राउज़र यूज़ करते होगे, कोई ना कोई सिस्टम जरूर यूज़ करते होगे। तो वो क्या करेगा कि आपके सिस्टम के आईपी एड्रेस जिससे आप डिवाइस से कनेक्ट होते हो इंटरनेट से, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो आप जिससे के थ्रू भी जिस वेब ब्राउज़र के थ्रू आप जो है रिक्वेस्ट सेंड करते हो सर्वर पर, वो क्लाइंट हो आप और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है वेब पेज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपके सिस्टम को भी हैक कर सकता है, वो आपके वेब ब्राउज़र को भी हैक कर सकता है, या तो वो आपके सिस्टम को हैक करेगा। अब मान लो आप किसी भी सर्वर के थ्रू से डेटा ले रहे हो, जैसे कि आप गूगल पर सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, अपने वेब ब्राउज़र ओपन करते हो जिसके अंदर इनबिल्ड जो है www.google.com अब इनबिल्ड होता है। जब भी आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हो तो उसके अंदर गूगल ओपन हो जाता है, लाइक गूगल क्रोम, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने जैसे ही अपना वेब ब्राउज़र ओपन किया तो उसके अंदर गूगल ओपन हो गया। अब एक हैकर को अगर गूगल के जो सर्वर है उसे हैक करना है, उसके अंदर घुसना है, तो वो क्या करेगा, वो आपके पहले सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसे उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप अपने जो वेब ब्राउज़र उसके अंदर गूगल टाइप करोगे और उसके अंदर गूगल पर सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करोगे, तो वो उसके थ्रू उसके अंदर घुसने की सोचेगा उस सर्वर के अंदर। तो इस तरीके से हैकर जो है सर्वर के ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसे हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है, होस्ट यहाँ पर आप हो और सर्वर को भी हम यहाँ पर होस्ट ही बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है एप्लीकेशंस, लाइक जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो कहीं से भी। अब मान लो प्ले स्टोर पर, तो आपके जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसके अंदर प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन होती हैं वो बहुत सेफ होती हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मोड एपीके यूज़ करते हैं। अब मोड एपीके के अंदर क्या होता है कि एक हैकर मान लो उसने अपना एक ऐप अलग ही बना रखा है, और मोड एपीके जो होता है वो प्रीमियम वर्जन जो होते हैं ऐप के वो फ्री में दे देता है, ठीक है, मतलब उसे एक तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है उसके सोर्स कोड को। तो मोड एपीके अगर आप डाउनलोड करते हो तो उस एपीके के थ्रू भी आपका जो डिवाइस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वो हैक हो सकता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन सिक्योरिटी थ्रेट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल सिक्योरिटी पर। फिजिकल
फिजिकल सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक कंपनी के सर्वर की बात आती है। लाइक अगर आपने एक सर्वर, अगर आप एक किसी कंपनी में काम करते हो, आप उस कंपनी के ओनर हो, ठीक है, आप उस कंपनी के जो है मालिक हो, और आपकी कंपनी में बहुत बड़ा सर्वर है और एक सर्वर रूम रखा हुआ है, तो अब आप नहीं चाहते कि इसके अंदर कोई भी एक्सेस हो, क्योंकि बेसिकली आप नहीं चाहोगे कि इस सर्वर रूम को कोई भी एक्सेस कर पाए सिवाय उसके जो इस सर्वर मेंटेनेंस रूम को जो है उसका ध्यान रखता है। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे और वहाँ पर 24 घंटे पहरा लगवाओगे, ठीक है। अब बेसिकली सर्वर के अंदर जो होता है आपकी सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ तक कि आपकी कंपनी की सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसे आप नहीं चाहते कि वो पब्लिक हो जाए। तो फिजिकल सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल सिक्योरिटी अगर आप नहीं रखोगे, अगर आप सर्वर जो है उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखोगे, लाइक सर्वर की एक लाइफ होती है, ठीक है, कि वो इतने साल तक ही वर्क कर पाते हैं, इतने साल तक ही डेटा स्टोर कर पाते हैं। अब मान लो अगर आप कोई भी लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो, तो उस लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव होगी उसकी भी एक लाइफ होगी कि इतने साल तक ही अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकती है, उसके बाद आपको हार्ड ड्राइव चेंज करानी पड़ेगी या फिर आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप एक कंपनी के मालिक हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है फिजिकल सिक्योरिटी का भी, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस सर्वर रूम तक एक्सेस ना ले पाए, उस सर्वर रूम के अंदर ना जा पाए, या फिर आपके जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसके अंदर अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गई फिजिकल सिक्योरिटी। और दूसरी फिजिकल सिक्योरिटी ये है कि आप उन सर्वर्स का ध्यान रखोगे कि ये जो सर्वर रूम है इसके जो अंदर जो सर्वर रखे हुए हैं इनकी जो लाइफ लाइन है वो ख़त्म हो रही है या नहीं। लाइक हमारा अगर डेटा कोई है इसके अंदर, तो आप नए सर्वर लगाकर 2 साल बाद ही उसने शिफ्ट कर दो उस नए सर्वर के अंदर, और अगर वो ख़राब हो भी जाते हैं तो लाइक का बैकअप आपके पास डेटा जो है वो सेफ रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकता है। उसके बाद खुद ह्यूमन आ जाते हैं, ह्यूमन भी सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर किसी बंदे को आपकी कंपनी का सिस्टम हैक करना है तो वो क्या करेगा, या तो वो अपनी आपकी कंपनी ज्वाइन करेगा पहले, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय उसके अंदर वर्क करेगा, और उसके पहले एक कंप्यूटर सिस्टम को हैक करेगा, उसके बाद फिर कहीं से भी बाहर से कंट्री से जाकर वो रिमोटली उसे कंप्यूटर को एक्सेस करेगा और उससे आपके सारे नेटवर्क को क्रैश कर सकता है। इस तरीके से ह्यूमन जो है इसके अंदर आ सकते हैं। और नेचर की बात करें तो आपको अपने सर्वर ऐसी जगह पर प्लेस करने चाहिए जहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर ना आए, ठीक है, बिकॉज अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया तो आपका जो सर्वर है वो भी जो है ख़राब हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा, बिकॉज पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो नेचुरल डिजास्टर के अंदर गिर जाती है और सर्वर भी टूट जाते हैं और आपका सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो नेचर जो है इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है नेटवर्क, ठीक है। अब एक हैकर क्या करता है कि अगर कुछ भी नहीं, ये जो ऊपर मैंने आपको सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स बताए, अगर इनके थ्रू आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाया, तो वो बस एक काम करेगा, वो नेटवर्क को हैक करने का ट्राई करेगा, ठीक है। लाइक आपका जो कंपनी का जो अलग कॉरपोरेट नेटवर्क है, जो प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे कि MNC कंपनीज का होता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जो होता है नेटवर्क, वो क्या करता है कि अगर उसे किसी MNC कंपनी को हैक करना है तो वो MNC कंपनी के किसी प्राइवेट नेटवर्क को हैक करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क भी एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट्स है। तो अब बात आती है, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि वेयर डू मोस्ट अटैक्स कम फ्रॉम, कि ये जितने भी अटैक्स हैं ये आते कहाँ से हैं, मतलब कौन करता है इन अटैक्स को, और कौन सी कंट्रीज से आते हैं, कहाँ से आते हैं, और करते क्यों हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। कुछ बातें हम अभी करेंगे, कुछ बातें हम थोड़ी देर में करेंगे। साइबर अटैक्स हैव बीन अराउंड अस फार बैक एज द इंटरनेट इटसेल्फ। मोस्ट कंट्रीज हैव फॉलन विक्टिम्स टू द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ साइबर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। अब देखो, जितने भी साइबर अटैक्स हुए हैं आज तक आपके कंट्री में, अगर हुए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो एक तरह से केस स्टडी के अंदर जो पिछले सारे अटैक्स हुए हैं और अब जो अटैक्स हुए हैं कुछ साल पहले, अगर एक केस स्टडी बनाई गई है और उस केस स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि जितने भी अटैक्स होते हैं वो तीन चीज़ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन तीन जगह से होते हैं। सबसे पहला फॉरेन कंट्री के अंदर से, मान लो कि अगर इंडिया में कोई साइबर अटैक हो रहा है तो वो जो अटैक है या तो वो फॉरेन कंट्री के से होगा, फॉरेन यहाँ पर विदेश आ जाता है, यानी कि किसी भी अनदर कंट्री से। अब जो एक हैकर होता है वो अपनी कंट्री को के ऊपर अटैक नहीं करता, यानी कि अपनी कंट्री को हैक नहीं करता, वो दूसरी कंट्री को हैक करने का ट्राई करता है, दूसरी कंट्री के सर्वर पर अटैक करता है, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल यहाँ से ये है कि कोई भी
कंपनी के बाहर का बंदा, यानी कि अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर एक कंपनी है, मान लो जियो कंपनी है, ठीक है। अगर अब एक जियो कंपनी को कोई हैक करेगा, कोई हैकर, तो वो उसके बाहर से उसे हैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक अटैक बाहर से भी आ सकता है। अब इंटरनल अटैक होता है, एक एक्सटर्नल अटैक होता है, एक फॉरेन कंट्रीज अटैक होता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो अटैक यहाँ पर एक्सप्लेन करे। अब लास्ट जो अटैक है वो इंटरनल अटैक है। अब इंटरनल अटैक के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंटरनल का एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी कंपनी के अंदर का जो एम्प्लॉय होता है, वो उसे हैक करता है पहले, ठीक है। उसके बाद उसे बाहर से जाकर रिमोटली एक्सेस कर लेता है और उसके थ्रू वो सारा नेटवर्क क्रैश कर देता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी कंपनी के अंदर के बंदे नहीं, यानी किसी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय नहीं जो है इस सिस्टम को हैक किया है, इस कंपनी को हैक किया है। तो अगर आप एक एथिकल हैकर हो, अगर और अगर आपको एक कंपनी हायर करती है कि हमारे सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करो वीकनेस, या फिर अगर आप किसी भी कंपनी पर जो है अटैक हुआ है, ठीक है, और वो आपको बुलाती है, वो आपको हायर करती है, इन फ्यूचर अगर आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन जाते हो और उसने आपको बुलाया, ठीक है, तो वो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो अटैक्स हैं वो आते कहाँ से हैं, लाइक फॉरेन कंट्रीज से, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तभी आप जल्दी से जल्दी पता कर सकते हो कि अटैक किसने किया है, बिकॉज कंपनी को रिपोर्ट चाहिए होती है और आपको सबसे पहले रिपोर्ट ही करना पड़ता है वल्नरेबिलिटीज़ को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अटैक वैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ अटैक वैक्टर्स की, ठीक है। अ मैथड और वे एन अटैकर कैन गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम। कुछ ऐसे मेथड है और कुछ ऐसे तरीके हैं जो अटैकर जो है उन्हें यूज़ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एक हैकर क्या ट्राई करेगा, देखो सबसे पहले अगर आपके किसी भी लैपटॉप डिवाइस को अगर वो हैक करने की कोशिश करेगा, फिर अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम जो आपका है, या फिर अगर आप किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हो और आप उस कंपनी के ओनर हो, ये मान लो एज अ एग्जाम्पल आप समझ लो, ठीक है। तो आपके जो कंपनी के जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या करेगा, अगर एक हैकर है और उसे आपकी कंपनी पर अटैक करना है, तो वो पहले ये देखेगा कि इनकी जो कंपनी के जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अगर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ नहीं मिला, यानी कि अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक नहीं कर सकता, मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब इनबिल्ड जो है वो आती है एंटीवायरस फायरवॉल, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि फायरवॉल कैसी होती है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ, दिखा नहीं रहा यहाँ पर बिकॉज मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो फिर आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो शो हो जाएंगी स्क्रीन पर, मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सेटिंग में जाओगे विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो सेटिंग में जाकर सर्च करना इनबिल्ड फायरवॉल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर नीचे जाना, यहाँ पर आपको ये एक दिख रहा होगा विंडोज सिक्योरिटी नो एक्शन नीडेड, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्टली इसे ओपन करता हूँ तो आप देखो अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक विंडोज़ जो है वो इनबिल्ट फायरवॉल देती है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, एप्स एंड ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन सब पर जो है वो ग्रीन टिक लगा हुआ है, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अभी कंप्लीटली प्रोटेक्ट है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अगर यहाँ पर बिल्कुल रेड हो जाता है ये, तो आप समझ जाना कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक हुआ है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फिक्स करनी है, ठीक है। तो ये अब इनबिल्ट आती है। तो अगर एक हैकर जो है वो सबसे पहले ये पता करेगा कि आपकी जो कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम है उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हो रहा है, वो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वो हैक नहीं हो पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या करेगा कि वो उसके अंदर की जो एप्लीकेशन है, लाइक आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करोगे अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो उन एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करेगा, उन एप्लीकेशंस को ढूंढेगा जो वल्नरेबल हो, जिनके अंदर वीकनेस हो, ठीक है। फिर वो उन एप्लीकेशंस पर अटैक करेगा और उसके थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर ये भी नहीं हो पाता है, तो वो इंटरनल यूज़र का जो है वो हेल्प लेगा, लाइक आपकी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय की वो हेल्प लेगा आपके सिस्टम को हैक करने के लिए। लाइक जैसे कि वो आपके कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ दोस्ती कर सकता है, फ्रेंडशिप कर सकता है, उसके साथ कंपनी के अंदर एंटर हो सकता है, ठीक है। और कंपनी के अंदर एंटर हो जाएगा तो वो उसका जो पीसी है जहाँ पर वो बैठता है वो वहाँ पर आ सकता है और उसके अंदर पेन ड्राइव वगैरह लगाकर मालवेयर वगैरह डाल सकता है और उससे एक सिस्टम हैक हो जाएगा। उसके बाद वो उसे रिमोटली एक्सेस कर पाएगा कहीं से भी
और पूरे सिस्टम को क्रैश कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो मालवेयर भेज सकता है। अब मालवेयर क्या होता है, मालवेयर और रैंसमवेयर ये बहुत डीपली चीज़ें हैं। देखो मैं इन चीज़ों को बताने नहीं वाला क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मालवेयर, वायरस, स्पैम, ये सब चीज़ें। बट मैं थोड़ा सा एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि मालवेयर एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, और रैंसमवेयर एक तरह का इस तरीके का वायरस होता है जिसे एक आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेज दिया जाता है और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की इनक्रिप्ट कर देता है जितनी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि एक हैकर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है हैक कर लेता है किसी भी कंपनी के, ठीक है, और उनकी जो फाइल्स हैं वो लॉक कर दी जाती हैं और स्क्रीन पर एक टाइमर चल जाता है 24 आवर्स का, और नीचे बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दी जाती हैं और कुछ कंडीशंस रखता है वो कि इस बैंक अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र करो तभी मैं आपकी जो फाइल्स हैं वो डिक्रिप्ट करूँगा, यानी कि आपके जो सिस्टम है उन्हें अनलॉक करूँगा। वो ऐसा क्यों करता है, वो सिर्फ पैसे के लिए करता है ये सब कुछ, ठीक है। अब अगर आपकी कंप्यूटर की सारी फाइल्स इंक्रिप्ट कर देगा कोई रैंसमवेयर भेज कर आपके सिस्टम के अंदर, तो आपका जो है वो काम रुक जाएगा, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी, आपके सर्वर्स डाउन हो जाएंगे और जो यूज़र्स आपसे जुड़े हुए हैं वो सारे यूज़र्स आपको छोड़कर जाने लगेंगे। तो इसलिए आप पे कर देते हो और ये सब कुछ फिर देखना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फिर फेस करनी पड़ती हैं। तो रैंसमवेयर भी अटैक कर सकता है, ये एक तरह का अटैक वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, लाइक आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज तो बना दी अपनी कंपनी के लिए लेकिन उन्हें आप अपडेट नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का अटैक हो सकता है। इसके थ्रू भी हैकर जो है इसका एक फ़ायदा उठा लेता है और आपके कंपनीज के अंदर अटैक कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोबाइल डिवाइस, लाइक जैसे कि आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो किसी कंपनी के अंदर, आप उस कंपनी का पूरा नेटवर्क जो है वो मैनेज करते हो कि इसके अंदर कोई भी हैकर अटैक ना कर सके, ये सब कुछ, ठीक है। अब आपका खुद का कोई पर्सनल मोबाइल है, अब मान लो एक हैकर क्या करेगा कि वो आपसे रास्ते में टकराएगा और आपके जो फ़ोन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइज, इमेजिन करो, ठीक है, तो वो आपसे रास्ते में टकराएगा और आपके फ़ोन को ख़राब कर देगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि उस फ़ोन को ख़राब हो जाएगा तो आप उसे दुकान पर देकर आओगे, यानी कि शॉप पर ले जाओगे, फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पर, ठीक है। जब आप उसे फ़ोन रिपेयरिंग शॉप पर लेकर जाओगे तो एक हैकर क्या कर सकता है, उस फ़ोन रिपेयरिंग शॉप वाले को कुछ पैसे दे सकता है और आपके फ़ोन को ले सकता है, उसके अंदर से डेटा जो है वो निकाल सकता है। अब आपका अगर पर्सनल मोबाइल फ़ोन है तो उसके अंदर आपके कंपनी के यूज़र्स की डिटेल भी हो सकती हैं, नेटवर्क की आईडी और पासवर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप भूल नहीं जाओ तो आप, अब हो सकता है अपने स्मार्टफोन के अंदर सेव कर लो। तो अगर आपका मोबाइल हैक हो गया, आपका मोबाइल का डिवाइस हैक हो गया, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए, तो एक तरह का अटैक हम इसे भी मानते हैं। तो गाइज ये सारे जो है वो अटैक्स हैं और टाइप्स ऑफ अटैक हैं जो एक हैकर करता है आपके ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर, और इनके थ्रू वो आपके सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं मालवेयर, रैंसमवेयर, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से फ्री की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको अगर डीपली इनके बारे में पढ़ना है तो आपको एक काम करना है, आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो तो आपको नोट्स के थ्रू मिल ही जाएगा, बिकॉज नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, अभी मैं थोड़ा सा इसे अंज्यूम करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टर्म जो है वो सर्च करनी है, सोसाइटल इम्पैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको जैसे मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से सर्च करनी है, जैसे ही आप इसे सर्च करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक आर्टिकल जो है वो आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप एक काम करना, आप इसके लेबल के थ्रू भी आप यहाँ से जा सकते हो। आपको मेन टैग्स में नीचे आना है स्क्रोल करते, और आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले मैं इसका लेवल चेक कर लेता हूँ कि मैंने इसे किस लेवल के अंदर ऐड किया है। तो मैंने इसे कंप्यूटर लेवल के अंदर ऐड किया है, या तो आप मोर के अंदर आकर यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तो भी आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, आप सर्च करके भी इस पोस्ट को देख सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर मेन टैग्स के थ्रू यहाँ पर आप कंप्यूटर को फाइंड करना कि कंप्यूटर की जो टैग्स है वो कहाँ पर है, उसके थ्रू आप इस पोस्ट को, ये दी तो आप उसके थ्रू इस पोस्ट को पढ़ सकते हो। इसके अंदर सारी पोस्ट आ जाएंगी जो मैंने कंप्यूटर मेन टैग के अंदर डाली हुई है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इस पोस्ट को रीड करना है, लाइक आपको यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वायरस की मिलेगी कि वायरस क्या होते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है
और ये भी लिखा है कि वायरस किस तरीके से आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है और आप किस तरीके से उससे बच सकते हो, ठीक है। और वायरस के अंदर कौन कौन से होते हैं, लाइक फाइल इन्फेक्टर्स, सिस्टम और बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स, मैक्रो वायरसेस और कुछ वेज टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, ये सारी जो डिटेल है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आप इस वेबसाइट पर आकर, मेरी वेबसाइट पर आकर आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। फ्री टाइम में रीड करो, मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको इस पर मिल जाएंगे। वॉर्म्स के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, उसके बाद ट्रोजन्स के बारे में पढ़ सकते हो, स्पाईवेयर, जो एक पैगासस स्पाईवेयर चल रहा है ना, स्पाईवेयर होता क्या है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, मालवेयर और स्पैम्स के बारे में पढ़ सकते हो कि स्पैम्स क्या होते हैं, उसके बाद हैकर, क्रैकर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन्हें आपको बताऊं। तो दोबारा से हम अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बट एक काम करता हूँ मैं 1 मिनट के लिए जो है वो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है वो डाउन हो गया है। उसके बाद मैं इस वीडियो को जो है रिज्यूम करूँगा लैपटॉप को चार्जिंग प्लग करने के बाद। ओके, सो वी आर लाइव अगेन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, व्हाट स्किल्स शुड एन एथिकल हैकर हैव, यानी कि एथिकल हैकर अगर आप बनने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक एथिकल हैकर हो, तो अगर आप एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनना चाहते हो आगे फ्यूचर में, तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। देखो, एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में ये बात तो आपको पता ही होगी कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लाइक हार्डवेयर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद काली लाइनेक्स आ जाता है, काली लाइनेक्स आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक नॉलेज होनी चाहिए, उसके सारे टूल्स को आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कोर, जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है उसके बाद, वो आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की बेसिक से एडवांस तक अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, लाइक नेटवर्किंग वर्क कैसे करती है, डेटा पैकेट्स फ्लो कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, राउटर्स के थ्रू आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एथिकल हैकिंग पर, कि एथिकल हैकिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन सभी थ्रेट्स की, एक एथिकल हैकर अटैक को कैसे रोक सकता है, वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेस को आइडेंटिफाई किन वे में करता है, हैकिंग के फेज आपको पता होने चाहिए, अटैक्स कहाँ से आते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये सारी नॉलेज फिर आपको एथिकल हैकिंग के बारे में होनी चाहिए। इन सब के बाद आपके पास कुछ एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब एडिशनल नॉलेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लाइक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी क्यों चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, उसके बाद में बताऊंगा कि क्यों आनी चाहिए, ठीक है। एक्सपर्ट विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एंड पीएचपी, स्पेशली सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो, आपको पाइथन आनी चाहिए या फिर पीएचपी आनी चाहिए। पाइथन यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, आप इजिली सीख सकते हो 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। बिकॉज एक सेकेंड क्लास के बच्चे ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नेम लिखा गया था कि उसने 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर पाइथन जो है वो सीखी थी, ठीक है। और पीएचपी होती है यहाँ पर डेटाबेस, यानी कि बैक एंड के लिए, कि बैक एंड कैसे वर्क करता है किसी भी सर्वर का, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीएचपी भी आनी चाहिए और पाइथन आनी चाहिए, और आपको सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल आनी चाहिए। अब ये लैंग्वेज हम सीखते क्यों हैं, एक एथिकल हैकर को जरूरत क्यों पड़ती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। अब जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको डेवलपर का जो है वो माइंड रीड करना आना चाहिए। लाइक आप अगर किसी भी सिस्टम की सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब उसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, कौन सी लैंग्वेज से ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, और इस लैंग्वेज के अंदर वो कहाँ पर गलती कर सकता है इसे डेवलप करते टाइम, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल एथिकल हैकर बन सकते हो। आपके पास ये सभी स्किल्स होनी चाहिए, और काली लिनक्स का कोर्स, नेटवर्किंग का कोर्स, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और भी मतलब मैं सी का कोर्स जो है, इस कोर्स के एंड करने के बाद मैं सी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी लेकर आऊँगा। जो मैं मेरी जो सीरीज जो है सी प्रोग्रामिंग की, वो अभी बीच में छूट गई थी, बिकॉज मेरे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एथिकल हैकिंग का कोर्स एक साइड चल रहा था और सी प्रोग्रामिंग का एक साइड चल रहा था, तो मैं एक ही कोर्स पर फोकस करना चाहता था, ठीक है। तो अब जब ये कोर्स एंड होगा, तो मैं उसके बाद सी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करूँगा, तो आप वहाँ से भी सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। और एक और स्किल आपके पास होनी चाहिए कि प्रोफिशिएंट विद वल्नरेबिलिटी रिसर्च, यानी कि आपको वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, वीकनेस आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब एक टॉपिक है, लाइक
वाई अ हैकर हैक्स, यानी कि अब ये जो हैकर होते हैं, अब लाइक अब मान लो कि कोई भी हैकर है वो हैक क्यों करता है, मतलब रीजन क्या है, तो उन रीजन को हम जानते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। द रीजन वाई विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द हैकर, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट मोटिवेट्स देम। अब कुछ एग्जांपल हैं जो मोटिवेट करते हैं हैकर को, जिससे वो किसी भी सिस्टम को हैक करता है, ठीक है। तो देखो कुछ तो फोर्सफुली हैकर को हायर कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, फिर मान लो अगर कोई बड़ा डोन है या फिर अंडरवर्ल्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी हैकर को हायर कर लेगा और उसे किडनैप कर लेगा। और कुछ बंदे क्या करते हैं कि फोर्सफुली किसी से भी हैक कराते हैं, ठीक है। अब कुछ की हॉबी होती है, यहाँ पर पहला जो रीज़न है वो हॉबी होती है कि कुछ अपनी हॉबी के लिए करते हैं, लाइक उन्हें शौक होता है, उन्हें अच्छा लगता है किसी भी सिस्टम को हैक करना, ठीक है। और इसी तरीके से वो बिना परमिशन के जब हैक करते हैं तो अगर किसी ओनर को पता चल जाता है तो वो जेल चले जाते हैं, बिकॉज वो कंप्लेन कर देता है, केस कर देता है उसके ऊपर, ठीक। कुछ रिसोर्सेज के लिए करते हैं, ठीक है, और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, जानबूझकर कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, और कुछ नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं हैक, ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं, लाइक ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो मोस्टली पैसों के लिए हैक करते हैं, जब उन्हें कोई पैसे देता है तभी वो हैकिंग करते हैं और बस उड़ा देते हैं सब चीज़ों को एक मिनट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ डज हैकिंग इन्फ्लुएंस कंपनीज, कि ये जो हैकिंग है वो कंपनीज को इन्फ्लुएंस कैसे करती है, यानी कि उन पर अफेक्ट कैसे डालती है। अब मान लो अगर कोई भी कंपनी हैक हुई है इन फ्यूचर, ठीक है, या फिर अगर कोई भी कंपनी हैक होगी इन फ्यूचर या अभी हुई है प्रेजेंट एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर मैं एक इंस्टाग्राम कंपनी का जो है वो एग्जांपल आपको दूंगा, बट पहले मैं उससे रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हैविंग योर साइट हैक कॉम्प्रोमाइज नॉट जस्ट योर इन्फॉर्मेशन बट द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर यूजर्स एज वेल, एज अ बिजनेस ओनर दिस कैन रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लॉस ऑफ रेवेन्यूज, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ बिजनेस। अब देखो कंपनी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है हैकिंग। अब कोई भी कंपनी है, सबसे पहले अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी है उसे देखोगे, लाइक फेसबुक, ठीक है, और इंस्टाग्राम और गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये हैकर्स को, एथिकल हैकर्स को ये हायर क्यों करती है, लाइक ये इतने करोड़ों रुपीस जो हैं वो क्यों देती है कि आप हमारे सिस्टम को अंदर वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद हम आपको रिवॉर्ड देंगे, क्यों करती हैं ये ऐसा। अभी इसलिए करती हैं कि जो अगर कोई बाहर का जो बंदा है, जो हैकर है, जो दूसरी कंट्री का है, वो अगर इन कंपनीज पर अटैक करे तो वो अटैक जो है वो रुक जाए, यानी कि वो अटैक कर ही ना पाए, वो सिक्योर हो जाए कंपनी, वो इसलिए करती है। अगर हम मान लो अभी कुछ दिन पहले पिछले साल ही फेसबुक का जो डेटा है वो ब्रीच हुआ था, फेसबुक का जो डेटा है वो लीक करा गया था और न्यूज़ फैल गई थी कि फेसबुक जो है वो डाटा लीक कर रहा है और फेसबुक को जो है वो जुर्माना देना पड़ा था, कुछ पेनल्टीज़ देनी पड़ी थी कई हजारों करोड़ों रुपये की US गवर्नमेंट को। तो US के अंदर एक ऐसा रूल है कि अगर आपकी कंपनी जो है उसके अंदर से डेटा ब्रीच होता है तो कंपनी जो है वो पेनल्टी देती है पैसों में, ठीक है, तो इस तरीके का रूल है। तो अगर आपको पेनल्टी नहीं देनी है तो आप अपनी कंपनी को सिक्योर करोगे, और एक और रीज़न है, आपकी रेपुटेशन डाउन चली जाएगी। अब मान लो जैसे कि इंस्टाग्राम को ले लो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अब मान लो कल को इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम हैक होने के साथ साथ उसके यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है उस बंदे को मिल जाएंगी जो उसने उसे हैक किया है। अब वो उन्हें पब्लिक भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके पैसों का तो नुकसान होएगा ही, क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम ऐप है, ठीक है, अगर आप मान लो कि आपका एज अ एग्जांपल आप अभी मान लो कि आपका इंस्टाग्राम ऐप है वो हैक हो चुका है, तो आपके यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन भी उस बंदे के पास पहुँच चुकी है जिसने आपके इंस्टाग्राम ऐप को हैक किया है, ठीक है। तो हैक करने के साथ साथ जो एड कंपनीज आपके पास आती हैं कि आप हमारे ऐड करो, ठीक है, तो वो कंपनीज भी आगे से नहीं आएंगी, यहाँ पर आपको लॉस ऑफ रेवेन्यूज़ होगा, पैसों का लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपकी रेपुटेशन जो है वो डाउन चली जाएगी, क्योंकि जो यूज़र्स जो हैं वो इंस्टाग्राम जो आपका यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई ये ऐप तो कभी भी हैक हो सकती है और इसके अंदर से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो भी लीक हो सकते हैं, तो हम इस ऐप को यूज़ क्यों करें, तो वो भी यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, लॉस ऑफ बिजनेस होगा, उसी के साथ साथ लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हैकिंग फेज, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हैकिंग फेज, इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एक जो हैकर होता है वो किन फेज का यूज़ करता है, कौन से स्टेप्स का यूज़ करता है किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं हैकिंग के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि एक हैकर के बारे में बता रहा हूँ,
उसके बाद मैं आपको एथिकल हैकर का बताऊंगा कि एथिकल हैकर कौन से स्टेप्स यूज करता है किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, ठीक है। देर आर मेनली फाइव फेजेज इन हैकिंग, नॉट नेसेसरली अ हैकर हैज टू फॉलो दीज फाइव स्टेप्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर, इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस एंड व्हेन फॉलोड यील्ड्स अ बेटर रिजल्ट। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि पांच फेज होते हैं हैक करने के लिए, यानी कि अगर आप एक अच्छे हैकर हो, अगर आप एक अच्छे हैकर बनना चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो आप इन फाइव फेजेस का यूज़ करोगे, इन फाइव स्टेप्स का यूज़ करोगे किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए या फिर किसी भी कंपनी के नेटवर्क को हैक करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस, ये बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आगे फ्यूचर में हैक करो ये सब चीज़ें, अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो, बिकॉज डिस्क्लेमर ऑलरेडी वीडियो में लगा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मैं आपको ये जो फाइव स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, ये एज अ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो ज़रूरी भी नहीं है कि जो एक हैकर है वो इन्हीं पाँच स्टेप्स को फॉलो करे, बट ज़रूरी ये है कि अगर आप इन पाँच स्टेप्स को फॉलो करते हो किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लाइक अगर कोई भी हैकर जो है उन पाँच स्टेप्स को फॉलो करता है, तो वो ईजिली जो है बेटर रिजल्ट गेन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिकनेसेंस, ठीक है। अब ये रिकनेसेंस क्या होता है, ये होता है एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक पैसिव एक एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी सोर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, और एक्टिव के अंदर क्या होता है कि वो जो है जो उसने इन्फॉर्मेशन गेन की है वो उसे और ज़्यादा मतलब कंफर्म करने के लिए और ज़्यादा उसे फिर हैक करेगा, उसी स्टेप को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करेगा कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है थर्ड पार्टी सोर्स से, लाइक अगर मान लो किसी भी बंदे के सिस्टम को हैक कर रहा है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद वो एक्टिव मेथड का यूज़ करेगा, वो देखेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप लेगा स्कैनिंग, ठीक है। उसके बाद वो वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, वीकनेस को आइडेंटिफाई करेगा आपके सिस्टम के अंदर। देन थर्ड स्टेप लेगा वो गेनिंग एक्सेस, उसके बाद वो आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस ले लेगा, आपके सिस्टम को जो है वो रिमोटली एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो हैकर होता है वो इतना ही नहीं रुकता, वो क्या करता है वो फोर्थ स्टेप लेता है मेंटेनिंग एक्सेस, वो एक बैकडोर प्लान कर लेगा आपके सिस्टम के अंदर, यानी कि लिनक्स के अंदर एक टूल होता है बैकडोर, ठीक है। वो एक बैकडोर बना देगा आपके सिस्टम के अंदर, यानी कि अगर इन फ्यूचर आपको आपके सिस्टम को उसे कभी भी हैक करना हो तो उस बैकडोर के थ्रू जो है वो आपके सिस्टम को हैक कर पाए और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लास्ट स्टेप होता है फिफ्थ स्टेप, वो क्या करेगा, वो क्लियरिंग ट्रैक्स, यानी कि जिस रास्ते से उसने आपके सिस्टम को हैक किया है वो उस रास्ते को क्लियर कर देगा, जिससे आपको पता ही ना चले कि आपका जो सिस्टम है आपका जो नेटवर्क है वो कभी हैक भी हुआ था। तो एक हैकर जो है इन पांच स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी सिस्टम को हैक करता है, ठीक है। अब बात आती है एथिकल हैकर की, तो एथिकल हैकर भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, पांच के पांच स्टेप्स को, ठीक है। इसी तरीके से वो किसी भी डिवाइस को हैक करता है, बट एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में जो है एक जो स्टेप है वो एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है, लाइक रिपोर्ट ऑल द रिजल्ट, यानी कि तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है दिस इज इन एथिकल हैकिंग फेज, बिकॉज ये स्पेशली एथिकल हैकिंग के फील्ड में होता है। जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक उसने क्लियर कराया, ट्रैक्स को एक्सेस लिया है और वीकनेस को आइडेंटिफाई कराया, तो वो एक रिपोर्ट बनाता है, एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बनाता है, वो बग को उसके अंदर डालता है, वीकनेस को उसके अंदर डॉक्यूमेंट करता है और कंपनी को रिपोर्ट कर देता है, कंपनी के पास फाइल भेज देता है। तो ये जो सिक्स्थ स्टेप है ये हैकिंग के अंदर होता है, एथिकल हैकिंग के अंदर ये एक एथिकल हैकिंग का फेज है। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक हैकर होता है जो हैकिंग के फेज होते हैं वो फाइव फेज होते हैं, एथिकल हैकिंग के अंदर सिक्स फेज होते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स की, लाइक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स होती क्या है, ठीक है। अ होल लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज विच में इंक्लूड फॉल्स पॉजिटिव लिस्ट ऑफ नॉन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज दैट कुड बी एक्सप्लोइटेड अनकवर्स अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज। देखो वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ वल्नरेबिलिटी को जो है वीकनेस को जो है आइडेंटिफाई करना होता है, अगर आप एक एथिकल हैकर हो देन उसे रिपोर्ट करना होता है, उसके आगे के जो प्रोसेस हैं आप वो नहीं लेते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो अभी आपको समझ में आएगा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है।
पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज अ साइमुलेटेड साइबर अटैक अगेंस्ट योर कंप्यूटर सिस्टम टू चेक फॉर एक्सप्लोइटेबल वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, कॉल टू एक्शन डॉक्यूमेंट इट लिस्ट द वल्नरेबिलिटीज दैट वर सक्सेसफुली एक्सप्लोइटेड, डिस्कवर्स अननोन एंड एक्सप्लोइटेबल वीकनेस इन नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस शोज एक्सप्लोइटेबल वल्नरेबिलिटीज। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो साइबर अटैक आपके कंप्यूटर में हुआ है, एक एथिकल हैकर क्या करता है कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, यानी कि पेन टेस्टर टूल्स का वो यूज़ करेगा आपके सिस्टम के ऊपर, उसे हैक करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई होंगी वो कहाँ से एक्सप्लोइट हुई हैं, उन सारी डिटेल्स को देखेगा, उन सारी डिटेल्स को दोबारा से हैक करेगा, उसे सिक्योर करेगा, ठीक है, और ट्रैक्स को क्लियर करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो आगे की प्रोसेस जो है इसके अंदर ले पाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। बट अगर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की बात करोगे तो वो बस आइडेंटिफाई करने के बाद बस रिपोर्ट कर देता है, उसका ये काम होता है। तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिकॉग्निशंस की। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हैकिंग फेज के अंदर जो है हैकिंग फेज का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिकॉग्निशंस होता है। ठीक है, रिकॉग्निशंस, ठीक है, तो इसके बारे में जब मैंने आपको बताया था, द वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस रिकॉग्निशंस एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजिशन एक्टिविटीज रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो इसके टाइप्स मैंने आपको समझाए थे कि दो मेथड को वो यहाँ पर यूज़ करता है, पैसिव एक्टिव। ठीक है, पैसिव थर्ड पार्टी सोर्स का यूज़ करता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, एक्टिव मैथड पैसिव के बाद यूज़ करता है उसे कन्फर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप इंडियन आर्मी का एक तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक जैसे अब इंडियन आर्मी को किसी भी टेररिस्ट ग्रुप पर अटैक करना है तो वो पहले क्या करेगा, इंडियन आर्मी जो पहले है वो क्या करेगी, उसके जो चीफ हैं इंडियन आर्मी के वो ऑर्डर देंगे कि आप किसी जासूस से पता करो, लाइक जो आसपास है उस टेररिस्ट ग्रुप के। तो यहाँ पर वो जो जासूस है वो थर्ड पार्टी सोर्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से एथिकल हैकर थर्ड पार्टी सोर्स का यूज़ करता है पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब जब पता चल जाएगा कितने बंदे हैं कहाँ पर हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इंडियन आर्मी के चीफ, अपने कुछ सोल्जर्स को उस टेररिस्ट ग्रुप जो है उसके आसपास भेज देंगे इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है एक्टिव मेथड आ जाता है इस फील्ड के अंदर भी, एथिकल हैकिंग करियर फील्ड के अंदर भी, कि वो किस तरीके से जो है उसे यूज़ करता है कंफर्म करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होता है स्कैनिंग। ठीक है, और इसी तरीके से जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के वो स्कैनिंग करते हैं एक तरह से उस टेररिस्ट ग्रुप के आसपास की, कहां से हम इस पर अटैक करें, कहां कमियां हैं, जहां से अटैक करें जिससे सारा ग्रुप जो है वो ब्लास्ट हो सके, सारा जो बंकर्स होते हैं टेररिस्ट ग्रुप के उन्हें उड़ा सके, ब्लास्ट कर सकें। इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, हर काम को करने के कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ ना कुछ फेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी के अंदर मैंने सिर्फ आपको एक तरह का एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से एथिकल हैकिंग के अंदर थे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक न्यू टॉपिक की, व्हाट एथिकल हैकर्स पेन टेस्टर्स लुकिंग फॉर, यानी कि जो एथिकल हैकर होते हैं और जो पेन टेस्टर होते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं ये ढूंढते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं, लाइक अगर वो किसी नेटवर्क को हैक करेंगे, अगर वो किसी भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे, उसके वो पहले नेटवर्क को हैक करेंगे तो वो नेटवर्क के अंदर घुसने वाले हैं तो वो नेटवर्क के अंदर ढूंढ के आ रहे हैं। लाइक अगर उन्होंने प्लान बनाया है, अगर उन्होंने सोचा है कि मैं नेटवर्क को हैक करूंगा, ठीक है, तो वो नेटवर्क के अंदर ढूंढेंगे क्या, तो वो आईपी एड्रेस ढूंढेंगे, उसके डोमेन नेम ढूंढेंगे, उसके अंदर कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं आपके सिस्टम के अंदर, लाइक TCP हो रही है, UDP हो रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो रही है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, या फिर वो फायरवॉल की इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे, लाइक कौन सी फायरवॉल जो है आप यूज़ कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर अगर वो आपके नेटवर्क को हैक करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक पेन टेस्टर, एक एथिकल हैकर ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, यूज़र एंड ग्रुप नेम्स, सिस्टम आर्किटेक्चर की आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, सर्विस इन्फॉर्मेशन, आप जो सर्विस यूज़ कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई के लिए करने के लिए ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है एक एथिकल हैकर और एक पेन टेस्टर जो है इनके लिए ढूंढते हैं, इन पर नज़र रखते हैं, इन सब चीज़ों को हैक करते हैं। तो अब मान लो कि एक हैकर है, ठीक है, अब उसे इंटरनेट यूज़ करना है फ्री, तो वो क्या करेगा कि वो कंपनी के अंदर तो घुस नहीं सकता, तो वो पब्लिक नेटवर्क से वाईफाई किसी भी कैफ़े के अंदर जाएगा, उसका नेटवर्क यूज़ करेगा और कैफ़े के अंदर बैठकर
किसी कंपनी को हैक करने का ट्राई करेगा, ठीक है, और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा बिकॉज कैफे का नेटवर्क यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो साइबर कैफे का अगर नेटवर्क यूज हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि अगर जो सिक्योरिटी टीम है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जब वो पता करेंगे कि कौन से नेटवर्क से अटैक आया, तो वो साइबर सिक्योरिटी साइबर कैफे वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो आप एक हैकर हो एक, ठीक है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि जो अटैक्स होते हैं वो किस तरीके से करे जाते हैं, पब्लिक नेटवर्क से किस तरीके से करे जाते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क से किस तरीके से करे जाते हैं और इंटरनल नेटवर्क से किस तरीके से करे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, वो बाहर के नेटवर्क का यूज़ कर सकता है, वो किसी भी बंदे के फ़ोन को हैक कर सकता है जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकेंड है वो फ़ोन है, वो फ़ोन का हैक करेगा और जैसे ही उसका फ़ोन उस कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उस नेटवर्क के अंदर घुस जाएगा और उसे क्रैश कर देगा, उसके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पब्लिक भी कर सकता है या फिर पैसों में बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है, तो ये सब कर सकता है एक हैकर, ठीक है। तो बहुत सारी MNC कंपनी क्या करती हैं, इसलिए अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपके जो पर्सनल डिवाइसेस होते हैं उन्हें अलाउ नहीं करती हैं, वो उसके अंदर एक गेस्ट नेटवर्क बना देती हैं जिसके अंदर आप गेस्ट नेटवर्क के अंदर अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और आप बात कर सकते हो। तो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर वो इसलिए अलाउ नहीं करती ताकि अगर कोई थ्रेट आता है, यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो आपके स्मार्टफोन के थ्रू भी आ सकता है। तो यहाँ पर पब्लिक नेटवर्क, यहाँ पर स्मार्टफोन भी हो सकता है या फिर आप कोई वो कंपनी की वेबसाइट को हैक कर सकता है, वो होइस अटैक कर सकता है। होइस अटैक के अंदर क्या होता है कि वो आपके डोमेन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है अगर होइस अटैक भी नहीं होता, वो बाहर से अगर अटैक कर रहा है पब्लिक नेटवर्क से, साइबर कैफे में बैठकर एक हैकर अगर अटैक कर रहा है, तो वो सोर्स कोड को चेक करेगा आपकी वेबसाइट के, ठीक है, वेबसाइट को मिरर करने की कोशिश करेगा, आपकी वेबसाइट की को जो है वो आर्चीव करेगा, वेब सर्वर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, उस पर अटैक डालने की कोशिश करेगा, डोमेन नेम सर्वर को हैक करने की कोशिश करेगा, आपकी कंपनी की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट हैक हो जाती है तो बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि अपने पर्सनल सर्वर रखती हैं और उसी से अपनी वेबसाइट को होस्ट करती हैं। जैसे ही आपकी कंपनी की वेबसाइट हैक होगी तो वो आपके पर्सनल सर्वर के अंदर घुस जाएगा और आपकी कंपनी के सर्वर को क्रैश कर देगा, ठीक है। IP ब्लॉक्स कर सकता है, ईमेल हेडर के अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज करके कोई भी ऐसा ईमेल भेज सकता है अपनी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय को बाहर के पब्लिक नेटवर्क से, एक्सटर्नल नेटवर्क से। जब जैसे ही वो नेटवर्क को जो है वो ओपन करेगा, जैसे ही वो ईमेल को ओपन करेगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा, तो आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसी के थ्रू वो सारे नेटवर्क को क्रैश कर देगा। या फिर उसके बाद वो सर्च इंजन को हैक करने की कोशिश करेगा, सोशल नेटवर्क, पीपल साइट, जॉब साइट। अगर जॉब अगर एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन निकालनी तो वो बेसिकली जॉब साइट पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं इस तरीके से अटैक कर सकता है एक हैकर। तो अब बात कर लेते हैं इंटरनल नेटवर्क की, यानी कि जब वो नेटवर्क के अंदर घुस जाता है। अब मान लो एक जो अटैकर है, एक जो हैकर है, वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू आपके कंपनी के नेटवर्क के अंदर घुस चुका है, यानी कि उसने ये सारे मेथड जो मैंने आपको 15 मेथड्स बताए, वो उसके थ्रू उसने एक मेथड जो है वो सक्सेसफुली उसका हो गया, ठीक है, और वो आपकी कंपनी के अंदर घुस गया, आपके नेटवर्क के अंदर घुस गया और उसने हैक कर लिया। तो वो नेटवर्क के अंदर अब अगर आ चुका है, आपकी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आ चुका है, तो वो उसके अंदर ढूंढेगा क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, इंटरनल प्राइवेट IP एड्रेस, वो कुछ IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा, IP एड्रेस को ढूंढेगा, प्राइवेट IP एड्रेस जो आपने रख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्राइवेट वेबसाइट्स ढूंढेगा आपकी कंपनी के नेटवर्क के अंदर अगर कोई वेबसाइट है, इंटरनल DNS ढूंढेगा, डोमेन नेम सर्वर, डंपस्टर डाइविंग करेगा, शोल्डर सर्फिंग करेगा, ये स्ट्रोपिंग करेगा, बहुत कुछ करेगा आपकी कंपनी के नेटवर्क के अंदर घुसकर, और उसे क्रैश भी कर सकता है, सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराकर पब्लिक भी कर सकता है, बेच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपकी कंपनी का लॉस होना ही है अगर आपकी कंपनी हैक हो जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं DNS रिकनेसेंस की। तो यहाँ पर द डोमेन नेम सिस्टम DNS इज अ नेम रिजोल्यूशन सर्विस। अब डोमेन नेम सिस्टम होता है, अब DNS आपको पता ही होगा कि डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो डोमेन नेम होता है, ठीक है, और जो DNS होता है वो उस सर्विस को प्रोवाइड करता है। DNS रिजोल्व्स ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस। अब देखो, जैसे कि मेरी वेबसाइट है www.computerseducation.com, ठीक है, अब इसे IP एड्रेस में जो कन्वर्ट करता है वो डोमेन नेम सर्वर करता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम करता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी नेम यहाँ पर डालते हैं, लाइक आपने सर्च इंजन पर डाला www.computerseducation.com, तो आप सोच रहे होंगे कि रिक्वेस्ट जो जाती है सर्वर के पास वो इस नेम से जाती है, बट ऐसा नहीं होता। हमेशा जो रिक्वेस्ट जाती है वो IP एड्रेस की फॉर्म में जाती है, और जो रिजल्ट जो रिसीव होता है वो IP एड्रेस की फॉर्म में ही हमें रिसीव होता है, बट वो शो जो होता है
वो एज अ नेम हमें हो जाता है, क्योंकि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है वो हमारे यहाँ पर कन्वर्जन करता है, यानी कि आपका जो डोमेन नेम है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देगा। ये सारा काम जो होता है वो डीएनएस का होता है। तो यहाँ पर एक हैकर जो है वो डीएनएस की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे डीएनएस सर्वर यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर होते भी हैं। ऑथरेटिव डीएनएस सर्वर होता है जिसके अंदर दो डीएनएस सर्वर होते हैं, एक मास्टर डीएनएस सर्वर एक स्लेव डीएनएस सर्वर, ठीक है। और मास्टर को हम प्राइमरी बोलते हैं, स्लेव को हम सेकेंडरी बोलते हैं। उसके बाद एक सेकेंड टाइप होता है डीएनएस सर्वर जो होता है कैचिंग एंड रिकर्सिव डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर के बारे में अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आप डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रख लो। लाइक बहुत सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, जब आप एक डोमेन नेम परचेज करते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट जो है उसका एड्रेस वगैरह डालते हो, एडिट करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स, ठीक है। ए होता है जिसके अंदर हम जिसे हम बोलते हैं एड्रेस मैपिंग रिकॉर्ड्स, एक होता है 4x8 यानी कि क्वाड ए से हम बोलते हैं, इसके अंदर IPv6 एड्रेस रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है सी नेम, उसे हम बोलते हैं कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड्स। NS होता है नेम सर्वर रिकॉर्ड्स। PTR होता है रिवर्स लुकअप पॉइंटर रिकॉर्ड्स। MX मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स। SOA होता है स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी रिकॉर्ड्स। एंड एक होता है TXT टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। तो ये DNS रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज जब आप एक DNS को हैक करते हो, लाइक अगर आपको किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो ये जो डोमेन है वो किस नेम पर रजिस्टर है, यानी कि इसका जो असली ओनर है किसने इसे रजिस्टर किया है, आप DNS को हैक करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, तो आप DNS रिकॉर्ड्स के अंदर घुसोगे, तो आपको इन DNS रिकॉर्ड्स के अंदर पता होना चाहिए। DNS रिकॉर्ड्स के अंदर जब आप एंटर करोगे एज अ एथिकल हैकर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से DNS रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो NS को हैक करोगे तो आपको पता होगा कि नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, आपको यहाँ पर नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से सर्वर्स पर ये जो DNS है, ये जो डोमेन नेम है वो पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है DNS रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल आपको समझाया, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर किस तरीके से बन सकते हो, कहाँ से आप सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ ले जाने वाला हूँ, उससे पहले मैं एक यहाँ पर एक गूगल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गूगल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर गूगल ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है EC काउंसिल सर्टिफिकेशन, आपको गूगल में ये टाइप करना है और आपको एंटर करना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स। आपको इस लिंक पर नहीं जाना है, जैसे आप इसे करते हो एंटर, और तो ये तो सिंपली लर्न का आ चुका है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको इस पे जाना है https://www.ec-council.org, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के अंदर आओगे और आप इसे देखोगे, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो। यहाँ से आप एथिकल हैकिंग का जो है वो सर्टिफाइड हो सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी वेबसाइट से आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो इन फ्यूचर। आपको यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ता है जब आप इनका कोर्स कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर डिग्रीज के लिए भी ऑप्शन है, कंसल्टिंग, मास्टर क्लास, इवेंट्स, बहुत कुछ है। आप इस वेबसाइट पर आना और आप देखना कि आप किस तरीके से यहाँ पर सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो। तो यहाँ पर एक इनकी जो टैगलाइन है वो ये लिखी हुई है कि हैकर्स आर हेयर वेयर आर यू। तो यहाँ पर अगर आप एक हैकर बनना चाहते हो इन फ्यूचर, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनना चाहते हो, एक अच्छा हैकर बनना चाहते हो, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पर आना ही पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कितने कमाल के कोर्स हैं गाइज, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे, आओगे, एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको पता चलेगा। अब एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि आज जो थी कोर्स की ये लास्ट वीडियो थी। अब इससे ज़्यादा मैं इस कोर्स की वीडियोस नहीं बना सकता यूट्यूब पर, बिकॉज़ यूट्यूब जो है मेरा चैनल बैन कर देगा, क्योंकि जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज थी जो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा सकता था, काली लाइनेक्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सिखाई, सारी कमांड्स बेसिक से एडवांस तक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ाया। अब जो आगे की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर मैं वो यूट्यूब पर सिखाता हूँ,
यूट्यूब पर देता हूँ तो यूट्यूब मेरे चैनल को बैन कर देगा, यानी कि जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है? सारी वीडियोस यूट्यूब हटा देगा। तो मैंने एक तरीका सोचा है, गुड न्यूज़ है जो कि आपके लिए, हम गूगल मीट सेशन रखने वाले हैं यहाँ पर, हम गूगल मीट क्लास देंगे आपको। अब गूगल मीट क्लास के लिए आपको कुछ कंडीशंस जो है वो उन्हें फिलफिल करना पड़ेगा, ठीक है? फुलफिल करना पड़ेगा। अब कंडीशंस जो है वो सुन लो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक टेस्ट देना है जो जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि मेरी वेबसाइट पर ही होगा। अब ये टेस्ट कब होगा, इसकी डेट क्या है, वो सब कुछ आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करो। अब टेस्ट के अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उस टेस्ट को कंडक्ट कराने से पहले मैं 10 दिन पहले आपको बता दूंगा कि हाँ मैं ये टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सको। अब टेस्ट में आएगा क्या, ठीक है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, उसका सिलेबस क्या हुआ। अब 100 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उन 100 क्वेश्चंस के अंदर वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ाया है आपको, जो बताया है, उन क्वेश्चंस को आप गूगल पर भी सर्च नहीं कर पाओगे। और टाइमर चलेगा टेस्ट के अंदर, ठीक है, 60 मिनट का टेस्ट होगा, यानी कि 1 घंटे का टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, और आप अगर 70% से अबोव स्कोर कर लेते हो उस टेस्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको गूगल मीट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, गूगल मीट सेशंस के लिए, जिसके अंदर हम आपको बहुत एडवांस चीज़ें प्रैक्टिकली जो है हैकिंग के अंदर सिखाने वाले हैं, लाइक एंड्रॉयड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, पेलोड कैसे बनाते हैं, मालवेयर कैसे बनाते हैं, वायरस कैसे बनाते हैं, स्पाईवेयर कैसे बनाते हैं, और किसी भी वेबसाइट को हैक कैसे करते हैं, और किसी भी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर मैं ये सब चीज़ें यूट्यूब पर सिखाऊंगा तो बहुत बैन हो जाएगा मेरे चैनल, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बैन हो जाएगी, ठीक है? तो अगर इसीलिए बहुत सारे पेड कोर्सेस आपने देखे होंगे कि वो वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पर नहीं होते, बिकॉज यूट्यूब इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करता, इसलिए वो अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, और उन्हें उनसे पहले वो आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद वो आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो खोल कर देते हैं, फिर आप पढ़ते हो। बट हम ये सब चीज़ें आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि टेस्ट के बारे में कि लाइक 10 दिन पहले वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, कि मैं 10 दिन पहले अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ मैं टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही नोट्स के लिए लिंक पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, तो आप वेबसाइट पर तो ऑटोमेटिकली आ जाओगे। अगर आप डेस्कटॉप पर यूज़ कर रहे हो तो आपको स्क्रॉल करना है वेबसाइट को, तो साइड बार में क्या होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, एक जो है एक फ्रेम मिलेगा, स्टे कनेक्टेड विद अस। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? इससे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि 10 दिन पहले मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा कि 10 दिन पहले हाँ भाई मैं ये टेस्ट कंडक्ट कराने वाला हूँ 10 दिन बाद, जो आपका 100 क्वेश्चंस का होने वाला है, सारी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है? उसी के साथ साथ मैंने किसी भी वीडियो में, मैं गाइज मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हो सकता है किसी वीडियो के अंदर गलती से निकल गया हो, बट मैं इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इसके कोर्स के अंदर और ज़्यादा प्रैक्टिकली एडवांस चीज़ें सीखनी है, फ्री में फ्री ट्रेनिंग लेनी है हमसे, अगर आपको गूगल मीट के सेशन अटेंड करने हैं, आप सच में सीरियस हो इस कोर्स को लेकर, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है? बट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपको एक और कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। टेस्ट तभी कंडक्ट होगा जब आप हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दोगे। ये एक एम था, एक गोल था इस कोर्स का, जो कि स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट करा था ये कोर्स, जब से चलता आ रहा था अभी तक हो चुका है, बट अभी भी हमारे 211 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि अभी भी हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे ही आप 2000 सब्सक्राइबर्स इस पर कंप्लीट करा देते हो इस यूट्यूब चैनल पर, कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट की सारी डिटेल्स दूंगा कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा, उसके बाद आप टेस्ट देना। अगर आप उसके अंदर 70+% स्कोर कर जाते हो तो वेल एंड गुड, आप सेलेक्ट हो जाते हो, एंड आपको बहुत एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी हैकिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि पेलोड कैसे बनाते हैं, वायरस, स्पाईवेयर, एंड्रॉयड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, डीएनएस हैकिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, आपको सारे काली लाइनेक्स के टूल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं,
ठीक है, वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा, टूल्स को यूज़ करना सिखाया गया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, उस कोर्स के अंदर दी जाएगी जो गूगल मीट के सेशन हम रखने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है। बट गाइज, टेस्ट तभी कंडक्ट होगा जब आप इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दोगे, इस एम को कंप्लीट कर दोगे, इस कोर्स स्कीम को, ठीक है। और इसका जो लिंक है वीडियो का, मैं इस बैनर पर अपडेट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। और मैं एक और बात बोलना चाह रहा हूँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 महीने लगाते हो, 4 महीने लगाते हो, आप कितने मंथ लगाते हो इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में। जितनी जल्दी आप कराओगे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट इस चैनल पर, उतनी ही जल्दी टेस्ट कंडक्ट होगा, और टेस्ट कंडक्ट होगा उतनी जल्दी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट डे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको रिजल्ट के लिए भी ज़्यादा टाइम जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा, और उससे अगले दिन, यानी कि जैसे आपने आज टेस्ट दिया तो अगले दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे अगले दिन से ही हम गूगल मीट के जो सेशंस हैं वो लेना स्टार्ट कर देंगे, आपको सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ यार वीडियो बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोर्स की वीडियो सीरीज में जो कि पेंडिंग में चल रहा है, सी प्रोग्रामिंग। अब मैं उस कोर्स को कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज इस कोर्स का दी एंड हो चुका है यहीं पर।